अगर आप 7-8 लाख की रेनो ट्राइबर से ट्रेवल कर रहे हो तो भी आप एक एमपीवी में बैठे हो, और अगर आप 1.25 करोड़ की टोयोटा वेलफायर से ट्रेवल कर रहे हो तो भी आप एक एमपीवी में ही बैठे हो। मीन्स एमपीवीज में भी काफी सेगमेंट्स आते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जिसमें सबसे पहले आती है स्मॉल एमपीवीज, फॉर एग्जाम्पल रेनो ट्राइबर, मारुति सुजुकी एर्टिगा एक्सेट्रा, जिसमें गाड़ी की लेंथ 4 से 4.5 मीटर के अंदर होती है, 6 या 7 सीट्स मिलती है विद डिसेंट स्पेस, एंड गाड़ी को रन करने के लिए स्मॉलर इंजन का यूज किया जाता है, जिससे गाड़ी ज्यादा फ्यूल इफिशियंट भी बनती है। उसके बाद आती है मीडियम एमपीवीज, फॉर एग्जाम्पल टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, महिंद्रा मराजो एक्सेट्रा, जिसमें 6, 7 और 8 सीट्स का ऑप्शन मिलता है, लेग रूम और हेड रूम थोड़ा बेटर होता है, एंड पावर मींस इंजन थोड़े बड़े साइज का मिलता है अलोंग विद हायर प्राइस। एंड फिर लास्ट में आती है लार्ज एमपीवीज या फिर प्रीमियम एमपीवीज, फॉर एग्जाम्पल टोयोटा वेलफेयर, लेक्सस एलएम, मर्सिडीज बेंज वी क्लास, इनफैक्ट किया कैरेंस भी लार्ज एमपीवीज में ही आती है। इन एमपीवीज में पूरी लग्जरी मिलती है, टीवी मिलता है, फ्रिज मिलता है, कंट्रोल सब इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, ऑल्सो प्राइस भी ज्यादा ऑफर किया जाता है।